इस केस में इफ का कंडीशन सप्लाई किया हुआ देन, लेकिन इसका बॉडी टर्मिनेट किस हो रहा फर्स्ट सेमीकोलन से, बिकॉज इस केस में कोई भी कर्ली ब्रैकेट सप्लाई नहीं किया है। इफ के केसेस में बात करें, इफ के जस्ट बाद, इफ के बॉडी के अंदर ओनली कितने स्टेटमेंट्स हैं, वन, हेडर के जस्ट बाद कंसीडर करेंगे लॉजिकली एज ओपनिंग ऑफ द बॉडी, फर्स्ट सेमीकोलन के बाद खुद से एज्यूम कर लेंगे जाए क्लोजिंग ऑफ द बॉडी। मीन्स इस केस में इफ का बॉडी ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, मीन्स बॉडी के जस्ट बाद कहीं भी एल्स ब्लॉक प्रोवाइड नहीं हुआ है। इसे एल्स के रिस्पेक्ट बात करनी से एल्स ब्लॉक के केसेस में एल्स कब राइट हो रहा है, आफ्टर एग्जीक्यूटिव स्टेट, मीन्स इफ और एल्स के बॉडी के बिटवीन में अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट पास किया है जो कि न कि इफ के बॉडी का पार्ट है ना ही एल्स पार्ट, इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, इनवैलिड। ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था मिसप्लेस्ड एल्स, कंपाइल टाइम एरर, मिसप्लेस्ड एल्स स्टेटमेंट्स लाइक दैट, बिकॉज एल्स ब्लॉक जस्ट एक्सपेक्ट कब हुआ, आफ्टर बॉडी ऑफ इफ, लेकिन प्रोवाइड कब हुआ है, आफ्टर प्रिंट एफ और एग्जीक्यूटिव।